Co-powered by Techno. तो बीजेपी को डर है कि कंगना के बयानों से भड़की चिंगारी में कहीं उसके सत्ता वाले सपने न जल जाएं। राहुल गांधी भी मौके का फायदा उठा रहे हैं और पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। पीएम मोदी भी आज हरियाणा के सोनीपत में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए हैं। पीएम मोदी के जुबानी हमले में दामाद, भ्रष्टाचार, शाही परिवार और दलाल जैसे शब्द थे। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भी उनके हमले का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अडानी और अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी को घेरा। कुल मिलाकर चुनावी रैलियों के बहाने दोनों नेताओं के बीच जमकर सत्ता का क्लेश हुआ। इसी क्लेश पर हमने एक न्यूज रील बनाई है, जिसमें हमारे न्यूज मित्रों को आज का चुनावी टकराव समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। एयरपोर्ट में जाते अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अडानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अडानी टैक्स, अनाज में अडानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अडानी टैक्स, कारतूस अडानी टैक्स, अग्निवीर अडानी टैक्स, ये कब तक चलेगा? भारत करप्शन परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेसेस हैं, यहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं, सेब का जो बिजनेस चलाते हैं, इन सबको नोटबंदी और जीएसटी ने खत्म किया है। गलत जीएसटी ने छोटे बिजनेसेस को खत्म कर दिया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। हालांकि चुनाव प्रचार के बीच जम्मू कश्मीर में आज दूसरे राउंड के लिए वोटिंग हुई। आज जम्मू क्षेत्र के रियासी, राजौरी और पुंछ जिले के अलावा कश्मीर में श्रीनगर और बडगाम जिले की 26 सीटों के लिए वोट डाले गए। दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। शाम 5 बजे तक राज्य में 54% वोटिंग हुई थी। पहले फेज की 24 सीटों पर 61.38% वोट डाले गए थे। आज अच्छी बात ये रही कि कहीं किसी इलाके में हिंसा की कोई खबर नहीं आई। सत्ता में अब बात करते हैं एशिया में भारत की धाकड़ सत्ता की, जो हर नए वर्ष के साथ मजबूत हो रही है। ये बदलाव विकास वाला है, ये बदलाव कूटनीतिक कुशलता वाला है, ये बदलाव मजबूत नीतियों और बढ़ते प्रभाव वाला बदलाव है। दरअसल भारत एशिया पावर इंडेक्स 2024 में तीसरी बड़ी शक्ति बन चुका है। पहले नंबर पर 81.7 अंक के साथ अमेरिका है, दूसरे नंबर पर 72.7 पॉइंट के साथ चीन है, जबकि 39.1 अंक के साथ तीसरे नंबर पर भारत है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर एशिया पावर इंडेक्स की रिपोर्ट में अमेरिका का नाम क्यों है। पहली बात तो यह समझने की है कि यह इंडेक्स एशिया के देशों का इंडेक्स नहीं है, यह दुनिया के उन देशों का इंडेक्स है जिनका एशिया में सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए इंडेक्स में एशिया के बाहर का भी कोई देश हो सकता है। यही वजह है कि न सिर्फ इसमें अमेरिका शामिल है बल्कि नंबर एक पर है। इस इंडेक्स में देशों के नाम फाइनल करते हुए कई फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। दुनिया में किन देशों का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है, उनकी न्यूक्लियर ताकत कितनी है और उनका राजनीतिक कद क्या है,
वो देश अपनी संस्कृति से कितना प्रभाव डालते हैं और उन देशों में आंतरिक स्थिरता कितनी है, इन फैक्टर्स की वजह से अमेरिका को एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट में जगह मिली है। आपको बताते हैं एशिया की सुपर पावर्स की लिस्ट के मायने क्या है, क्यों इसे भारत की तेजी से उभरती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक एशिया में 48 देश हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की कुल जनसंख्या 480 करोड़ से भी ज्यादा है। एशिया में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। वैसे भारत की धाकड़ सत्ता की तीन मुख्य वजहें हैं। एक है आर्थिक विकास, दूरदर्शिता और विजन। कई बड़े मुद्दों पर भारत का कूटनीतिक प्रभाव भी इसकी एक बड़ी वजह है। Co-powered by Techno.